ओम सायंकाल का, जैसे कि आप सबको पता है चितपिंडी सायंकाल का मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो मंदिर के विकास कार्य अभी भी आरंभ हैं और ये चलते रहेंगे। अभी मंदिर के विकास कार्यों में आप लोगों के सहयोग की हमें फिर से आवश्यकता है, तो कृपया करके मंदिर के विकास कार्य में सहयोग करें, ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। ओम सायंकाल का। मंदिर में और दरबार में किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जाती। अगर आपको कोई भी इस तरीके की धन की मांग करता हुआ नजर आए तो कृपया आकर के मंदिर में सूचित करें। और मंदिर के विकास कार्य की सेवा चल रही है, वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। छाव कहाँ से होगी भाई? अयोध्या, जय श्री राम। राजस्थान, ओके। लखनऊ, निर्माण विहार। रामपुर, नागपुर, रामपुर, रामपुर। अच्छा, विष्णु गार्डन। अच्छा, नहीं उतरी अभी तक ये? आज पहनी है, झटके लग रहे थे बड़े। अच्छा, नहीं बाबू, तेरी बाइक उतरवानी है मैंने। मैं तो नाचती हूँ खूब। अरे चल नहीं पाती थी ये, माँ ने बचा लिया बाबू। माँ ने दिन रात बातें करती हूँ आपसे और माँ से। जब भी मैं कहूँ मैं सो क्यों नहीं पाती। बाबू पहले गुरु किस किस के हैं यहाँ गुरु धारण करने से पहले, और जो बच्चों के पहले गुरु हैं? बैठ के वहीं पे हाथ उठा लो। नहीं मैं तो हूँ, वो उधर से आने के लिए वापस ला, वापस लाओ क्या? मेरे तो गुरु वहाँ है पहले। क्या ही लाना है, मैं बात तो सुन लो, बीच में वो मत करो। सुनो अभी पहले मैं बता दूँ, बाबू थके हुए देखो दो दिन के, सोए है नहीं, इरिटेट मत करना है ना। सबको पता है सब थके हुए हैं, रात बाबू चार ही बज गए। क्या कर रही है? अच्छा माँ, आप भगत थे और थी, एक ही बात है। अच्छा तो वो उन रखने हैं या नहीं रखने? गुरुमा ने ये कहा था कि अगर माँ की शक्ति चलानी है तो गुरुमा जिसके ऊपर माँ की शक्ति। अच्छा तो मतलब वो भी चलेंगे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे चलाने हैं ना वो? ठीक है, जय माता दी बेटा। और किसके भाई? हाँ खड़ी हो जाओ बाबू, तो पीछे से। मेरे अनंतपुर गुरु महाराज जी हैं, जो उनकी बाई जी ने मेरे को घर में बैठ के नामदान दिया था जी, मेरे कमरे में ही बैठ के जी। तो माँ ने मेरे को, मैंने उनसे कहा मेरे गुरु कौन है, तो उन्होंने आपको दिखाया था। अच्छा उनसे आपने पहले नामदान ले लिया था? नामदान उन्होंने मुझे घर में बैठ के दिया था। ठीक है, तो मेरे को बेचैनी सी रहती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि मैंने अभी अरदास लगाई थी जी। तो उन्होंने मुझे, माँ ने आपको दिखाया। तो आपने जब आपका पहला गुरु थे, आपने दोबारा अरदास ही क्यों लगाई? आपका उनसे कोई काम नहीं हो रहा था, या आपका उनके साथ मन नहीं मिल रहा था, या प्रॉब्लम क्या हुई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। मैं उनके अभी भी अरदास मतलब धूपबत्ती देती हूँ उन्हें, लेकिन तो आपको एक और गुरु चाहिए था इसलिए अरदास लगाई थी? नहीं नहीं पता नहीं, मेरे को माँ ने सायका माई ने मेरे को आपके पास भेजा है, सपने में मेरे को आप ही दिखाते थे। देखो जी मेरी बात सुनो, यहाँ सारे ही कालका माँ के भेजे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ सारे ही साईनाथ महाराज के बुलाए हुए होंगे, चाहे कोई मानता हो ना मानता हो। यहाँ जो दिल्ली वाली जिसको बुलाती है वही पहुँचता है। मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपने आपका गुरु होते हुए दोबारा के गुरु की अरदास क्यों लगाई, रीजन क्या था? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वहाँ पर मेरा, मैं नहीं जा पाती थी उनके पास, और ये कह लो कि मेरे को उन्होंने बुलाया ही नहीं था, कि मैंने घर में बैठे जबर हो सकता ले रही हूँ। सुनिए मेरी बात, कल को आप मेरे पास भी नहीं आ पाओगे? नहीं मैं आपके पास, सुनो ना, कल को आप मेरे पास भी नहीं आ पाओगे, भीड़ से प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, कल तो भीड़ बढ़ती चली जाएगी, फिर गुरु बदल दोगे? नहीं, अभी आपकी बात से तो यही हम लोगों को लगा, लगा के नहीं लगा भाई। पर मुझे पता नहीं माँ, आपने कहा कि मैंने उनका नाम गलती से ले लिया, नामदान कभी गलती से थोड़ी लिया जाता है, उसकी इच्छा से लिया जाता है। नहीं लिया तो उनकी इच्छा से जाता है, लेकिन
लेकिन जो जैसे कहते हैं ना कि बैठ के नामदान का पाठ करना वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। वो आपकी गलती है, गुरुओं की गलती नहीं होती है। नहीं मैं उनको गलत कभी नहीं बोलती। मैंने ये कहा ही नहीं आपने उनको गलत बोला। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, आपके पहले गुरु थे, उसके बाद आप गुरु बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे बच्चे ने भी बताया, ठीक है। और बच्चे भी सुन लो, कोई गलती नहीं है। मैं कुछ एक बच्चे की सुनोगे तुम लोगों को बहुत सही चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। अब इस बच्चे ने बोला कि मेरे गुरु थे बट मैंने अरदास लगाई और माँ ने आप दिखा, ठीक है। पहली बात तो अगर आपके गुरु थे और आपके गुरु से, गुरु तो गुरु होता है, गुरु कभी गलत नहीं होता है, ध्यान रखना, गुरु सदैव सही होता है, कोई सो में से एक गुरु होता है झूठा, नौटंकी वाले, ठीक है ना। एक मिनट बेटा मैं बच्चों को समझा दूं, मेरा काम साथ साथ समझाना है। तो अगर आपके गुरु से या तो आप मिल नहीं पा रहे हो, आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है, आप जा नहीं पा रहे हो, अगर आप ये तीनों मुझे जवाब देते हो, तीनों जवाब गलत है, तीनों नहीं मिल पा रही मैं उनसे, तीनों जवाब गलत है आपके। कल को मैं भी नहीं मिलूंगी, सीधी बात है भाई, मैं कालका की भक्त नहीं हूँ, मैं साईं बाबा की भक्त नहीं हूँ, और दोनों मनमोजी थे तो मैं ही मनमोजी हूँ, जो जी मैं आपका सो करती हूँ, ठीक है। इसको बुरा मानना है तो उठ के चले जाना भाई, ये मैं सोचता हूँ सामान उठा के लाए, तुम्हारा सामान कहीं और काम आएगा। जबरदस्ती और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी काम में, सब मानते हैं इस बात को, है ना। आपकी तीनों ही बात ही गलत है। कल को मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं तो मिल ही नहीं पाती अपनी औलादों से, ना मैं फोन पे बात करती हूँ उनसे, भीड़ होती है तो उनसे इंतजार नहीं होता, और फिर वो तुम ये तीनों मुझे वो देकर के बोलोगे कि भैया ये दिक्कत थी, हम तो जा रहे हैं, तो आप 36 में आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आप ये कह दो कि जी एक गुरु के साथ मुझे दूसरा गुरु बनाना है, क्योंकि आपने कोई भी वैलिड रीजन नहीं है अपने गुरु को छोड़ने का, वैलिड रीजन होता तो मैं खुद त्याग कराऊंगी। हाँ बस ये कहो कि आपको भी बनाना है, तो ये समझ में आता है मुझे, ठीक है। चलो और किसके बेटा, हाँ खड़ा हो जाओ बेटा पीछे, जय माता दी। अच्छा अच्छा जी 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 ठीक है। तो अब वो जो है उनको मानोगे ना, चलाओगे ना आगे, क्योंकि उनसे कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी आपसे, तो उनको चलाना है आगे कि नहीं चलाना है? तो आप उनका त्याग करना चाहते हो, ठीक। त्याग वाले बच्चे अलग से बुलाऊंगी तो बताते रहना मुझे, है ना। अब और कौन है भाई? हाँ कहाँ पर राजप्री में कौन गुरु था तेरा? भैरव बाबा था राजप्री में, हम ही ना भाई। अच्छा हो गई बात, हाँ हाँ पहले जो आपके गुरु थे उनका त्याग करना है आपको, ठीक है बैठ जाओ। और कहाँ बेटा खड़े हो? हाँ ये गुरु बनाने आया, कहाँ पे बेटा? मुझे भी मना कर दिया, फिर मिले ही नहीं मेरे से वो, और मैं पहली बार ही गई थी, कोई बातचीत नहीं हुई। आपने बोला दो तीन बार जा चुकी थी मैं। मतलब जैसे मेरी तबीयत खराब रहती थी ना, तो मैं वहाँ गई तो वहाँ ये पता चला भी माता की सवारी आती है। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला भी गुरु धारण कर लो, और मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं जी। तो फिर मैंने बोला भाई, वो बोलते आपने वही भाई आप दूर से आते हो ना जी, फिर अपने वही कर लेना जी, कोई देख के। हाँ। मैं, मेरे को नहीं पता, मैं वहाँ अपने वहाँ जानती नहीं किसी को, क्योंकि मैं यहीं की रहने वाली हूँ जी जी, और हिमाचल में रहती हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। तो वो बोलते है भाई उधर ही देख लेना, फिर नहीं मैं जब आपके पास आए तो आप ही बन जाओ, वो पहली बात में ही उन्होंने बोल दिया। अच्छा। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और गुरु धारण करवाया, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की। अच्छा। मैं मैसेज करती रही, फोन करती रही, फिर वो बंद कर देते, बात नहीं की। ठीक है आगे कॉपी पेन, ठीक है। दो चीजें लिखवाना, सवारी आती है तो गुरु बना लो, और दूसरा गुरु बात नहीं करते, ठीक है। लिखना है फोन नहीं उठाती। हाँ और बाबू बस बस बात ही नहीं की। तो अभी आपको उन्हें चलाना है या नहीं चलाना? ठीक है आज तक भी कॉल नहीं आई, उनकी बात मुझे भी नहीं कॉल नहीं आई अगले दिन।
नहीं बाबू सारी चीज समझाऊंगी ना मैं, फिर तुम लोगों को एक साथ समझा दूंगी। और बाबू हाँ लाडो खड़ी हो जाए, ब्लू सूट एक एक करके उठाते हैं सबको, सब इससे बात करूंगी, फ्री हूँ मैं बिल्कुल। हाँ जय जय का तेरी जय जय का।